जनकपुर विधानसभा क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बढ़त ली है। परिणाम आने के बाद लोग चौंके हुए हैं। प्रदेश ही नहीं, देश में एक बड़ा संदेश गया। हम लोग बातचीत करते हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने एक एक करके पूरी तरीके से वोट किया और हर तरह से मन में क्या इनका उत्साह है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। टनकपुर में हम लोग मौजूद हैं। टनकपुर में किस तरीके के आप बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश मंत्री, किस तरीके का जो उत्साह आप लोगों के अंदर, ये महिलाओं के, आप जो है इतने सारे लोगों के साथ में आए हैं? बहुत उत्साह है। पहले तो जनता को, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, बधाई भी देना चाहूँगी, क्योंकि एक चंपावत विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। पूरे भारत में ही 93% का रिजल्ट हमारा रहा है और वास्तव में महिलाओं में बहुत उत्साह रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय और प्रदेश ने कई कल्याणकारी योजनाएँ हमारी महिलाओं के लिए किया है, तो बहुत उत्साह है और बढ़ चढ़ कर इन्होंने सहयोग भी किया है। आप लोग जो है यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, सीएम साहब का, किस तरीके से जो है मन में जो है विचार था कि जब आप वोट करने जा रहे थे उस समय? सर, हम बोर्ड के साथ प्रचार भी कर रहे थे और 2014 में जब हमारे संग मोदी जी थे, हम उस वक्त इसी तरह का प्रचार किया था और उस वक्त प्रचंड बहुमत से हमारे मोदी जी विजय हुए थे। और अभी वही दोबारा ऐसा हो रहा है कि धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो है विधायक बन के क्षेत्र में आ रहे, तो क्षेत्र की महिलाओं को और जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं में खरे उतरे, यही हम महिलाएं चाहती हैं। मतलब ये बताइए, यहाँ से कैलाश गहतोड़ी जी थे, उन्होंने क्या कितना काम किया होगा और उनके कामों को लेकर क्या सोचते हैं आप? कैलाश गहतोड़ी ने भी बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि पहले अपनी सेहत, अपनी तबीयत की वजह से थोड़ा बहुत नहीं हो पाया, फिर उसके बाद कोरोना काल हो गया और जो भी उसने काम किए हैं, काम हमारे विधायक ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसी प्रणाम के वजह से और क्या कहते हैं, उसी की मेहनत के वजह से ही आज जो उसने सारा श्रेय मैं तो कैलाश गहतोड़ी को ही देती हूँ। और क्या कहते हैं, जो उसने अपनी सीट छोड़ी है उसी सीट से ही आज जो धामी जी ने ये प्रचंड बहुमत पाया है, इसमें मैं हमारी जनता की और कैलाश की, इन्हीं हम सब लोगों की वो कहती हूँ। और मेन बात एक एक है, खटीमा वालों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे हीरा को हमारे सर का ताज बना के भेजा। मैं उन्हें बार बार बधाई के बधाई हैं, वो मेरी जनता तो है ही है, पर वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हमें ये सीएम दिया। बिल्कुल, वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि खटीमा से जो है हारने के बाद एक उपहार स्वरूप जो है उनसे, उनको ये सीट मिली है। अच्छा, आप लोग कितना, किस तरीके से देखते हैं आप लोग उनका, उनको लेकर? हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तो पहले से जब खटीमा से खड़े हो रखे थे तब भी उनको समर्थन कर रहे थे, हमने गहतोड़ी जी को भी किया, उनको भी किया, फुल सपोर्ट किया, अपनी पूरी जनता को बोला मात्र शक्ति ने तो उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आज इसी वजह से हम यहाँ पर आ रखे, एक घंटा पहले आके उनका स्वागत कर रहे हैं, धामी जी का इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमने उन्हें जिताया है वो हमारे यहाँ के सब विकास करें, खूब विकास करें, तरक्की करें, धामी जी के साथ हम हमेशा रहेंगे। ऐसी कौन सी बात है जो आप पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर हो जाए जिससे महिलाओं को भी अच्छा लगे और तमाम लोगों को अच्छा लगे? जनता के, सारी जनता की सुने, वो सब कुछ करें, अच्छा काम करें ताकि हाँ रोजगार के लिए सारे रोजगार मिले, बस यही कहना चाहेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, वो ये देखना चाहते थे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काम किया। अब देख रहे होंगे ये उत्साह जो उन्हीं लोगों का है जो लगातार चुनाव में भी लगे रहे और उन्होंने पूरे मन के साथ में चुनाव प्रचार किया और परिणाम भी बड़े सुखद आए। टनकपुर से विपिन चंद्रा। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।